वो कभी लेके आ जाएगा इधर बाइक भर के जाने का है चुपचाप, नहीं तो 400 रुपए मारे जाने आना मत नेक्स्ट लेक्चर से आना मत बैठना टाइम पास चालू नहीं है मेरा इधर बैठने का तो करो टाइम समझा डोंट वांट टू स्टडी सिट एट होम डोंट कम टू क्लास विद मी नहीं अलग फर्स्ट सम का सेम है सेकेंड सम का अलग फर्स्ट सम नंबर 4 ले लो पेज 108 पेज 108 सम नंबर 4 ऑल ऑफ यू टेक पेज 108 सम नंबर 4 राइट से जाना समझो चलो फटाफट फोर्थ सम पेज 108 मार्क फर्स्ट शिवा इंडोर्स रिक्रिएशन क्लब मिला पेमेंट साइड से चालू करो फटाफट रेंट इज व्हाट एक्सपेंस मार्क फर्स्ट रेंट इज एक्सपेंस सैलरीज आर एक्सपेंस फर्नीचर इज एसेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बार परचेज एक्सपेंस टोर्नी एक्सपेंस डू यू हैव एनी टोर्नी फंड टोर्नी मीन्स टूर्नामेंट टोर्नी फंड है टोर्नी फंड नहीं है टोर्नी रिसीट है मतलब ये रेकरिंग है तो टोर्नी एक्सपेंस इज एक्सपेंस टोर्नी एक्सपेंस इज एक्सपेंस टोर्नी फंड होता है तो उधर से माइनस करके फंड तो है ही नहीं टेलीफोन एक्सपेंस पोस्टेज एक्सपेंस बैंक एंड कैश एसेट डोनेशंस के बारे में पढ़ो क्या दिया पॉइंट ए डोनेशन इज एंटायरली 3/4 ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एंड हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज मतलब डोनेशन एंटायरली इज टू बी कैपिटलाइज तो पूरा का पूरा डोनेशन क्या करना है एड टू कैपिटल फंड पूरा का पूरा डोनेशन एड टू कैपिटल फंड मतलब रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है इन दिस एग्जाम्पल नॉन रेकरिंग लाइफ मेंबरशिप फीस नीचे दिया है 3/4 ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस नीड्स टू बी कैपिटलाइज 1/4 किधर आएगा इनकम तो पूरा इनकम में लिख के फिर 3/4 माइनस करना है और उधर डाल देना है कैपिटल फंड रिमेंबर प्रेजेंटेशन एंट्रेंस फीस आधा हाफ इज टू बी कैपिटलाइज तो बाकी आधा इनकम सब्सक्रिप्शन हमेशा ऑलवेज इट इज इनकम सब्सक्रिप्शन ऑलवेज इट इज इनकम बार रिसीट्स इनकम टोर्नी रिसीट्स इनकम बिलियर्ड फीस इनकम टेबल टेनिस फीस इनकम कार्ड रूम रिसीट्स इनकम ग्रांट फ्रॉम कैलकाटा कॉर्पोरेशन ग्रांट के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो जनरल ग्रांट तो इनकम सैड जी पता है ना व्हाट इज सैड जी सब्सक्रिप्शन एडमिशन फी डोनेशन एंड ग्रांट इनके बारे में कोई इन्फो नहीं है तो इनकम तो ग्रांट फ्रॉम कैलकाटा कॉर्पोरेशन किधर जाएगा तो इनकम म्युनिसिपैलिटी का ग्रांट आया है दैट इज इनकम फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट पढ़ो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज 250 एंड आउटस्टैंडिंग इज 1000 प्री रिसीव क्या करोगे प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन माइनस की प्लस माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट लायबिलिटी डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर बिलोंग आउटस्टैंडिंग इज 1000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन व्हाट यू विल डू एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट और लायबिलिटी एसेट मिलना बाकी है देन रुपीज 200 वॉज अनरियलाइज ऑन टोर्नी अकाउंट अनरियलाइज को अंडरलाइन करो अंडरलाइन दैट अनरियलाइज लास्ट बेंच अंडरलाइन दैट अनरियलाइज अनरियलाइज का मतलब क्या है मिलना बाकी है कि देना बाकी रॉन्ग अनरियलाइज मिलना बाकी ओके रियलाइजेशन पूरा चैप्टर किया ना एसेट्स रियलाइज रियलाइज मतलब पैसा आया तो अनरियलाइज मतलब पैसा आना बाकी है तो इज इट रिसीवेबल और पेएबल रिसीवेबल तो एड टू टोर्नी रिसीट्स एंड एसेट्स पेएबल नहीं है टोर्नी पे ना दो आइटम है टोर्नी रिसीट भी है टोर्नी पेमेंट भी है एक्सपेंस भी है
तो ये किस पे करना है एडजस्टमेंट? ओनली रिसीट्स पे करना है। कैसे पता चला रिसीट्स पे करना है? अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड दिया है मतलब मिलना बाकी है, ओके मिलना बाकी है। तो एड टू टर्नी रिसीट्स एंड एसेट्स। रेंट वॉज पेड फॉर 3 years इन एडवांस। मुझे ऊपर देख के बताओ रेंट कितना दिया हो? 5000 दिख रहा है आपको? उधर क्या दिया है? रेंट 5000 पे किया है ना, पेमेंट साइड तब पैसा दिया है। बट इट वॉज पेड फॉर 3 years इन एडवांस, तो ये टोटल कितने साल का हो? 4 साल का हुआ ना। इफ आई टेल यू 6 months इन एडवांस, तो मतलब 1 year प्लस 6 months, 1 year इन एडवांस, सो 2 years। यू आर पेड फॉर 2 years, 2 years इन एडवांस मतलब यू आर पेड इट फॉर 3 years, एक करंट ईयर प्लस एडवांस। तो यहां पर यू आर पेड इन एडवांस फॉर 4 years, सॉरी पेड इन एडवांस फॉर 3 years, तो टोटल कितने साल का? 4 years का इट इज 5000, तो 1 year का कितना है? Is 1250 prepaid or 3750? 3750 is prepaid rent. All of you got it? So what are the two effects of prepaid rent? Minus from rent and assets. Minus from rent and assets. Mila? Minus from rent and assets. Then salaries include paid in advance 500. What is paid in advance? Prepaid salary kya karna? Minus from salary and asset. And 1000 remain unpaid on 31st March. Outstand. Dena baki hai. Toh kya karoge? Add to salary and liability. Add to salary and liability. Mila 1000? 1000 is add to salary and liability. Furniture is to be depreciated at 6%. Kya karoge? Minus from furniture and expense. Minus from furniture and expense. Bar stock on 31st March 07 is 5000. Which stock is that? Closing stock. Closing stock ka effect kya aayega? Minus from bar and assets. Minus from bar and assets. Telephone rent has been paid up to July 2007. Yeah, up to July 2007 diya hua hai. Matlab it is what? Prepaid hai. But abhi idhar dekho, your ending diya kya? Your ending July aisa diya? Nahi. मतलब योर एंडिंग तो मार्च था एंड यू आर पेड अप टू जुलाई। जब भी पेड फॉर योर एंडेड दिया होता है ना, दैट मीन्स इट इज फॉर 12 months। इधर क्या दिया? अप टू जुलाई। अप टू जुलाई मतलब योर एंडेड नहीं है, पीरियड एंडेड। अभी पीरियड एंडेड का कैलकुलेशन कैसे करने का? स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी हुआ? 1 अप्रैल वॉट 2006, राइट? तो 1 अप्रैल 2006 से ये स्टार्ट हुआ है, ये खर्चा भी 1 अप्रैल 06 से स्टार्ट हुआ है, फिर 31st मार्च पे रुका नहीं। कब तक पे कर दिया आपने? 31st जुलाई तक पे कर दिया। करना था कब तक? मार्च तक। अप्रैल से लेके मार्च तक ही पे करना था, लेकिन आपने और 4 महीना एक्स्ट्रा पे किया, अप्रैल मई जून जुलाई, तो टोटल कितने महीने का पे किया? ये 12 और ये 4, टोटल हाउ मेनी मंथ्स का पे? 16 मंथ्स का गैप। 12 महीने का नहीं हो, 12 महीने का कब होता है? जब ईयर एंडेड दिया हो। क्या दिया हो? अगर ऐसा दिया होता ना कि टेलीफोन रेंट हैज बीन पेड फॉर द ईयर एंडेड जुलाई 07, देन इट वुड हैव बीन फॉर 12 मंथ्स। 370 रुपीज जो ऊपर दिया है, दैट वुड हैव बीन फॉर 12 मंथ्स। 370 कितना? 370. It would have been for 12 months. This is not for 12 months. How did I conclude it is not for 12 months? Idhar kya diya tha? Up to July 07. Up to July ka matlab aapne 1406 se leke 31st July tak pay kiya. Farak samjha dono ka? Agar yehi up to ke jagah hota year ended July 07, then this would have been for 12 months. Which 12 months? August to July. It would have been for 12 months from August to July. तो आप normally करते, तो समझ में आया यहाँ पे? Year ended नहीं है, what is this? Period ended कैसे calculate होता है? 1 अप्रैल 06, beginning of your financial year to the date of expense. Beginning of your financial year to the date of expense. Beginning of your financial year to the date of
expense. So you started from 1406, ended it on 31st July 07. करना था कब तक? साल का, अपना साल कब खत्म होगा? 31st मार्च. तो करना था यही 12 महीने का, लेकिन पापा के पास तो हमने और 4 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया है. समझ में आ रहा? तो कितने महीने का टोटल पे किया है? 16 मंथ्स का कितना है? 370. और एक्स्ट्रा कितना है? 4 मंथ्स. 1/4 होता है तो 92.5, विच इज नथिंग बट 93. व्हाट इज दिस 93? प्रीपेड है. व्हाट इज दिस 93? प्रीपेड है. नॉर्मली आप क्या करते हो? 12 महीने का 370 तो 4 महीने का कितना? ऐसे करते हो. इधर ऐसे नहीं कर सकते. इधर 16 महीने का, कितने महीने का है? 16 मंथ. व्हाट इफ इट वाज अप टू ऑगस्ट 07? 17 महीने. अप टू सितंबर 07? 18 महीने. अप टू अप्रैल 07? 15 महीने. सॉरी 13 मंथ. अप टू अप्रैल 07 दिया होता, इट वुड हैव बीन 13 मंथ. अप्रैल 07 मतलब अप्रैल से मार्च प्लस 1 मंथ अप्रैल. करेक्ट? तो ये कॉपी कर लो दोनों नोट्स. डिजाइन विजाइन बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा इधर से करोगे जो चलेगा. दिस इज फॉर टेलीफोन एंड दिस इज फॉर रेंट. तो टेलीफोन वॉज योर एंडेड और पीरियड एंडेड? पीरियड. कैसे पता चला? योर एंडेड क्वेश्चन में मेंशन नहीं था. पीरियड एंडेड बोर्ड्स में आने का चांसेस नेग्लिजिबल है, आता नहीं है. 99% यू गेट योर एंडेड ओनली. तो ये लफड़ा आता नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सेफ साइड के लिए किया हुआ. सीए वगैरह में आता है. तो फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड द एडजस्टमेंट्स. डॉट्स डाल दो फटाफट. डोनेशन 1 डॉट, लाइफ मेंबरशिप फीस 1 डॉट, एंट्रेंस फीस 1 डॉट. डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस 1 डॉट ईच. वो क्यों दिया है डॉट उस पर? मैंने ब्रेक है, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ रेवेन्यू कुछ कैपिटल, थोड़ा थोड़ा. ये प्रॉब्लम में इनको दिया ही रहेगा, नहीं दिया तो अपना अजम्पशन है वो सैड जी वाला, पता है. सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स. वाई 2 डॉट्स? आउटस्टैंडिंग भी है और प्री रिसीव्ड भी है. प्रीपेड नहीं होगा, प्री रिसीव्ड होगा. इनकम अनरियलाइज्ड ऑन टूर्नी अकाउंट, तो किस पे डॉट करूं? टूर्नी रिसीव्स पे डॉट करूंगा. टूर्नी रिसीव्स 1 डॉट. रेंट वॉज पेड फॉर 3 इयर्स इन एडवांस, रेंट पे एक डॉट. 1 डॉट ऑन रेंट. सैलरी 2 डॉट्स. वाई 2 डॉट्स? प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग मिला. प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग. फर्नीचर 1 डॉट, बार 1 डॉट. फर्नीचर 1 क्यों? डेप्रिसिएशन. बार पे क्यों चाहिए? स्टॉक है. टेलीफोन पे एक डॉट, टेलीफोन रेंट इज प्रीपेड. टेलीफोन का समझ आया? थोड़ा अलग था. टेलीफोन वॉज योर एंडेड और पीरियड एंड. पीरियड एंडेड 12 पे जगह 16 महीने का. कैसे पता चला पीरियड एंडेड है? क्वेश्चन देख के. क्वेश्चन में योर या फिर 12 मंथ्स कहीं मेंशन नहीं था, तो दैट मीन्स इट इज फॉर 16 मंथ, 17 मंथ, 18 मंथ, डिपेंड्स ऑन द डेट. चलो स्टार्ट करो. व्हाट टू अकाउंट आर सपोज टू मेक? एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट, दैट इज इन द बुक्स ऑफ सी वाई इंडोर रिक्रिएशन क्लब. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended 31st March 07. Is that right? Hello. This is expenditure and income. And balance sheet as of
This is a normal sum. Is this the first year or a continuing year? कैसे पता चला फर्स्ट ईयर नो ओपनिंग बैलेंस नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस नहीं है मतलब दिस इज द फर्स्ट ईयर ओके इसके बाद अभी जो सम करवाने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट सम है वहां से डबल बैलेंस शीट चालू हो रहा है लास्ट ईयर का डेटा भी चालू हो जाएगा आज के सम से लास्ट ईयर का डेटा जो एनपीओ को मेन यूएसपी उसका अलग है जो उसको टफ बनाता है दैट पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे देखो ये वाला तो नॉर्मल समय उड़ाओ फटाफट स्टार्टिंग विथ रेंट एनी डाउट ऑन रेंट व्हाट डू यू हैव प्रीपेड रेंट कितना है देखो 3750 बराबर है हटाओ ये साल को बिलोंग नहीं करता सैलरीज पे है डॉट देर आर टू डॉट्स आई थिंक प्रीपेड सैलरी भी है और आउटस्टैंडिंग भी है प्रीपेड क्या करोगे 500 यू सब्ट्रैक्ट एंड 1000 यू ऐड एनी डॉट ऑन फर्नीचर फर्नीचर ये साल खरीदा है कि लास्ट ईयर से है ये ही साल खरीदा है पेमेंट में दिया हुआ है 6% एवरी लास्ट ईयर का कुछ हो सकता है यहाँ पे है ही नहीं फर्स्ट ईयर है ऑर्गेनाइजेशन का एनी डॉट ऑन इलेक्ट्रिसिटी नो सर बार पे डॉट है ना बार परचेज व्हाट इज द डॉट चेक क्लोजिंग स्टॉक प्लस की माइनस माइनस डजंट बिलोंग टू दिस ईयर हटाओ ये कब काम आएगा 5000 कभी यूज होगा ये नेक्स्ट ईयर दारू का बोतल नेक्स्ट ईयर ना बच गया टूर्नी एक्सपेंसेस एनी डॉट नहीं टूर्नी एक्सपेंस पे की टूर्नी रिसीट पे कैसे पता चला रिसीट पे अनरियलाइज द कीवर्ड वाज अनरियलाइज इफ इट वेर अनपेड या फिर पेबल तो फिर टूर्नी एक्सपेंस पे डॉट करते आप लोग समझ आया दिस वाज अनरियलाइज मतलब मिलना बाकी है मतलब टूर्नी रिसीट्स पे डॉट आया फर्क समझा टेलीफोन पे डॉट है ना क्या है कितना है प्रीपेड 92.5 दैट इज 93 चार महीने का एक्स्ट्रा पे किया हुआ है 16 महीने का दे दिया था 12 महीने के बदले 277 आ रहा है पोस्टेज पे डॉट है बैंक एंड कैश बोथ आर व्हाट As a closing balance of cash bank at the end of the year, इतना पैसा बचा है ओपनिंग बैलेंस है मतलब फर्स्ट ईयर है कि कंटिन्यूइंग ईयर फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर अगर है ऑर्गेनाइजेशन का तो कैपिटल फंड क्या हो नहीं होगा शुरुआत नहीं होगी उसमें डोनेशन क्या करने को बोला है पढ़ो फुल्ली कैपिटलाइज मतलब वन टाइम है कि हर साल है वन टाइम है तो एड टू कैपिटल फंड LMF लाइफ मेंबरशिप फीस क्या बोल रहे हैं कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं पढ़ो पूरा का पूरा नहीं 3/4 कैपिटलाइज करना है मिला तो पहले कैसे प्रेजेंट करना है पूरा इनकम में डाल दो 5000 उसमें से लेस 3/4 कैपिटलाइज अलग करो दैट इज आई थिंक 3750 आया हेलो इधर से 3750 हटाओ और इधर ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 3/4 विच इज 3750 मतलब आधा 3/4 जितना वन टाइम है 1/4 स्कैटर्ड है पूरे लाइफ ऑप्शन दिया है फंड ने ऑर्गेनाइजेशन ने कि भैया
लाइफ मेंबरशिप फी समझो लाख रुपए है तो 75,000 अभी भरो लमसम और 25,000 स्प्रेड अक्रॉस दी एंटायर लाइफ हर साल आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो क्या दिया आधा आधा तो एंट्रेंस फीस आई थिंक इज 2500 इसका आधा कैपिटल तो पहले पूरा लिखो फिर आधा माइनस करो 1250 और बाकी हाफ एड टू कैपिटल फंड। एड टू कैपिटल फंड मतलब क्या इसका आधा रेकरिंग है आधा वन टाइम आधा रेकरिंग है स्प्रेड अक्रॉस द लाइफ आधा वन टाइम। सब्सक्रिप्शन का क्या सीन है हमेशा इनकम ऑलवेज इनकम नो टू थॉट अबाउट दैट रेकरिंग मंथली इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 6750 ओके। दो डॉट है ना एक तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना है ऐड करना 1000 ऐड हो जाएगा एंड प्री रिसीव्ड भी है वो क्या करो माइनस कर दोगे कितना 250 बराबर है 7500 आ रहा है। प्री रिसीव डज इट बिलोंग टू करंट ईयर प्री रिसीव नो नेक्स्ट ईयर प्री रिसीव बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर बट आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू दिस अक्रूवल बेसिस अक्रूवल सिस्टम। प्री रिसीव्ड प्री पेड ये साल को बिलोंग नहीं कर नेक्स्ट ईयर और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बिलोंग टू दिस ईयर अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इनकर्ड बट नॉट पेड। बार रिसीट्स पे है डॉट चेक कर लो है बार परचेज पे था स्टॉक था वो बार रिसीट पे नहीं है 25,000 है मिला देन टोर्नी रिसीट पे है डॉट है क्या है अनरियलाइज का मतलब क्या आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है अनरियलाइज मतलब आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी तो प्लस की माइनस प्लस होगा सो एड आउटस्टैंडिंग टोर्नी रिसीट्स कितना था 200 बिलियर्ड फीस पेड और अभी किस पे भी नहीं टेबल टेनिस फीस इनकम नो डॉट